दोस्तों एक हम 2-in-1 बोर्ड बनाए हुए हैं। जब ये ऑफ रहेगा तो सीरीज का काम करेगा, और जैसे इसको हम ऑन कर देंगे तो ये मेन का काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक 100 वाट का हम बल्ब लिए हैं, इसको हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो ये सीरीज में हो गया। अब चलिए इस प्लग को इसमें हम लगाते हैं, तो देखिएगा दोनों बल्ब आपस में जलने लगी, यानी सीरीज में दोनों बल्ब जल रही है। जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे ये मेन में काम करना चालू कर देगा। ये देखिएगा बोर्ड वाला बल्ब यहाँ पे बंद हो गया, और जो प्लग लगाकर इसको जला रहे हैं तो ये जल रहा है। फिर इसको जैसे ऑफ करेंगे दोनों बल्ब यहाँ पे जलने लगे, यानी सीरीज में काम करना चालू कर देगा। तो ये बोर्ड कैसे बनाए हुए हैं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मनमोहन इलेक्ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-in-1 सीरीज बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 खंड वाला एक बोर्ड ले लीजिएगा, उसके बाद में एक 5-पिन सॉकेट ले लीजिएगा, उसके बाद में एक बल्ब होल्डर ले लीजिएगा, उसके बाद में एक 1-वे स्विच ले लीजिएगा, ऑन ऑफ स्विच। इसको कसना तो आप लोग जानते हैं, तो सबसे पहले इसमें चलिए फटाफट हम कस लेते हैं। तो यहाँ पे सॉकेट, स्विच और होल्डर को यहाँ पे नट बोल्ट लगाकर कस लिए। उसके बाद में इसको सीधे पलटिएगा, तो होल्डर यहाँ पे है, स्विच यहाँ पे, और 5-पिन सॉकेट यहाँ पे है। अब इसमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप मेन तार ले लीजिएगा, 2 तार होता है, एक न्यूट्रल और फेज का। तो सबसे पहले आप मेन तार इसमें कसिएगा। तो मेन तार कसने के लिए इस पिछले वाला बॉक्स में हम इस तार को लगा दिए, ताकि प्लग इसमें पहले हम लगा दिए हुए हैं, नहीं तो बाद में निकालने में दिक्कत होगा। और 5-पिन सॉकेट में यहाँ पे देखिएगा तो ये फेज वाला पॉइंट है और ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है। तो जो ब्लैक तार मेरा है यहाँ पे हम पहले कस देंगे न्यूट्रल वाला पॉइंट पे। न्यूट्रल वाला पॉइंट पे एक ब्लैक वाला तार को कस लीजिएगा, तो दूसरा में बच गई ये फेज वाला जो रेड कलर का तार है। उसके बाद में छोटा छोटा 3 टुकड़ा में चाहिए आपको इतना बड़ा बड़ा वायर, जो यहाँ से यहाँ हट जाए और यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो जाए, जिसमें से एक टुकड़ा आप अभी ले लीजिएगा। तो एक टुकड़ा हम अभी ले लिए, ये रेड वाला तार के साथ में यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में स्विच की 2 पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पे, चाहे तो आप नीचे वाला या ऊपर वाला पे इसको कस दीजिएगा। तो हम नीचे वाला पॉइंट पे इसको कस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वाला पॉइंट पे रेड वाला तार और एक छोटा तार जोड़कर यहाँ पे कस दिए। उसके बाद में होल्डर में 2 पॉइंट है, तो होल्डर के एक पॉइंट पर ये छोटा वाला तार हम जोड़े हुए हैं, तो इसको लाकर यहाँ पे कस देना है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको कस देते हैं। तो रेड वाला तार को यहाँ पे हमने कस दिया होल्डर की एक पॉइंट पे। उसके बाद में यहाँ स्विच की दूसरे वाला अभी पॉइंट एक बाकी है, तो उस पर जो छोटा छोटा 2 तार अभी मेरा बाकी है, इसको क्या करना है, एक ओर से इस तरह ज्वाइन कर देना है। देखिएगा इस तरह ज्वाइन आप पहले कर दीजिएगा, उसके बाद जिस साइड से आप ज्वाइन कीजिएगा उस साइड से इस स्विच की एक पॉइंट पर यहाँ पे कस देना है। तो इस प्रकार इस दोनों तार को स्विच की दूसरी पॉइंट पे कस दिए। तो एक तार को यहाँ पर लाना है, 5-पिन सॉकेट की एक पॉइंट यहाँ पे अभी बाकी है, तो इस पर लाकर कस देना है इसको। तो इस तार को यहाँ पे कस दिए। उसके बाद में अभी एक तार बाकी है यहाँ पे और होल्डर की एक पॉइंट बाकी है यहाँ पे, तो इस तार को लाकर होल्डर की एक पॉइंट पे कस देना है। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। 5-पिन सॉकेट पर देखिएगा ये वाला पॉइंट बाकी है, तो ये अर्थिंग का पॉइंट रहता है, तो सीरीज बोर्ड में तो हमको कोई भी अर्थिंग की जरूरत है नहीं। तो मात्र इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है, 2-in-1 सीरीज बोर्ड बनकर ये तैयार हो गया। अब इसको चलिए हम आपको चेक करके दिखाएंगे। चेक करने के लिए इस बॉक्स में हम पहले इसको लगा देते हैं, इस बॉक्स में हम यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए इसमें हम लाइन की 220 वोल्ट की करेंट देते हैं। तो इसमें हम 220 वोल्ट का करंट दे दिए। अब इसमें हम एक 100 वाट का बल्ब ले सकते हैं या 200 वाट का बल्ब ले सकते हैं, कोई भी बल्ब ले सकते हो, लेकिन फिलामेंट वाला आप बल्ब लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम ये बल्ब ले लिए, थोड़ा हम इसको जूम इन कर देते हैं। उसके बाद में इसको चेक करेंगे, तो जब नीचे साइड ये रहेगा तो मेन में ये काम करेगा, और इसको ऑफ कर दीजिएगा, यानी इस स्विच को ऑफ कर दीजिएगा तो ये सीरीज में काम करेगा। तो अभी देखिएगा हम इस स्विच को ऑफ कर दिए हुए हैं, और एक 100 वाट का बल्ब हम और ले लिए, और इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। इस 5-पिन सॉकेट में इसको चलिए हम लगाते हैं। तो देखिएगा जैसे इसको लगाए, देखिएगा दोनों बल्ब यहाँ पे जल रही है, यानी ये सीरीज में काम कर रहा है। जैसे इस स्विच को हम यहाँ से ऑन करेंगे, देखिएगा जो बोर्ड में का बल्ब लगा हुआ है ये बंद हो गया और ये बल्ब यहाँ पे जलने लगा।
यानी स्विच को ऑन करते हुए ये मेन में काम करने लगेगा, और स्विच को जैसे हम ऑफ कर देंगे ये सीरीज में काम करना चालू कर देगा। तो इस तरह दोस्तों एक ही बोर्ड में आप 2-in-1 बोर्ड बना सकते हो, मेन का भी और सीरीज का भी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।